मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आए दिन हमारे जम्मू की अगर बात करें, हर कोई प्रयास कर रहा है कि अपने माध्यम से समाज में एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो एक नई दिशा बनकर सामने आए। इस समय हम कोटी कॉलोनी वेलफेयर ऑफिस के अंदर हैं, जहां पर आज शीतल सिंह, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया है कोरोना काल में, काफ़ी आम जनता की मदद की है, गरीबों की मदद की है, कई ऐसे कार्य भी किए हैं जिसकी वजह से समाज में एक इंस्पिरेशन मिलती है। आज एक पोस्टर लॉन्च हो रहा है वेब सीरीज का, जिसका नाम है क्यों ही इंसानियत शर्मसार। और आज के जो मुख्य अतिथि होंगे चंदन दत्ता, कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ इनके बताना चाहेंगे रीना चौधरी जी हैं और तरुण जी हैं, जो खड़े हैं, काफ़ी ये कहेंगे माने हुए जाने माने कलाकार हैं। इनकी एक्टिंग के तो हम ये कहेंगे जनता ज़रूर कायल होगी, इनकी भी एक्टिंग को ज़रूर सामने लाएंगे। फिलहाल आज पोस्टर लॉन्च है, और अमित जी ये भी मौजूद हैं इस समय, और अब भी पोस्टर लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है, और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के जम्मू के कलाकारों को किस तरह से मौका मिलने वाला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। दिव्यांश बाबा भी हैं हमारे छोटे कलाकार भाई जम्मू के, ये समय जो दृश्य बता रहे हैं हमको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। और समाज में हर कोई आज के दौर में प्रयास कर रहा है कोई एक नई दिशा देने का अपने माध्यम, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे टेलीफिल्म हो। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं शीतल सिंह जी द्वारा इन्हें सम्मानित करते हुए, चंदन दत्ता कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट, और रीना चौधरी जी जो काफी एक्टिव हैं। अमित जी और जिस तरह से जानने का प्रयास भी करेंगे आखिर इस वेब सीरीज में क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तरुण जी, क्या कर रहे हैं प्रयास, क्या प्रयास है इस सीरीज का, चलिए जाने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले शीतल जी, जी जी, क्यों हुई इंसानी शर्मसार, इस वेब सीरीज के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इस वेब सीरीज में? देखिए मैम, पहले मैं सबका थैंक्स करता हूँ, चीफ गेस्ट चंदन जी और रीना मैम का और गुरमीत जी का, अमरीक सिंह जी का, और हमारे जो बुजुर्ग साथी यहाँ पे आए हुए हैं, और मेरी टीम के दिव्यांश बाबा, प्रवीण जी और बाकी एक्टर मॉडल सारे, मैं सबका थैंक्स करता हूँ। और देखा होगा आपने कि जैसे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कैसे रिश्ते नाते पानी हुए, बेटी ने बाप को छोड़ा और माँ ने बच्चों को छोड़ा, भाई ने भाई को छोड़ा, बहन ने बहन को छोड़ा, मतलब काफ़ी ऐसे हमने केस आपने देखे हैं। ये एक मूवी, शॉर्ट मूवी हम बना रहे हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके जम्मू में मूवी बनाते हैं, कोई क्राइम के ऊपर मूवी है, कोई अपने प्यार के ऊपर मूवी बनती है, अलग अलग किस्म की मूवी, एक नई चीज़। और एक सच में हम ये बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पब्लिक है, उनको ये एहसास हो कि इंसानियत क्यों बार बार शर्मसार होती है, और ये मैसेज जाए आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जनरेशन, उनको पता चले कि बुजुर्गों की कैसे इज्जत की जाती है, माँ बाप की कैसे की जाती है, वो हम सारा इसमें बताएंगे। जो आप यहाँ पे आपके इस वेब सीरीज में जो आर्टिस्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, जम्मू से होंगे या जम्मू से भी होंगे, जम्मू से बाहर से भी होंगे। और दूसरी बात कि हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं, ये जो भी आर्टिस्ट आएंगे उनके लिए कोई फी नहीं होगी, उनके लिए कोई फीस नहीं होगी, ये एक सेवा के लिए है। एक हम मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर कि इंसानियत को और बढ़ाया जाए, आगे लोगों को एक बताया जाए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उससे वो सब बाहर हो चुके हैं, कोई टीवी में है, कोई मोबाइल में है, कोई लैपटॉप में है। और ऐसे मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये सब चीज़ जो इंसानियत है, जो बच्चे समझे और बुजुर्गों की इज्जत करें। इतना समझते हैं आप इम्पोर्टेंट कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से जनता को समझाना ज़्यादा
देखिए बात आपने अच्छा पूछा कि आसान रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चों के हाथ में फोन होता है, बड़ों के हाथ में फोन होता है, जब वो फोन खोलते हैं तो जब उनको ये देखेंगे तो उससे उनको थोड़ा सा साथ होता है, एहसास होगा इंसान को, बच्चे को होगा कि हमने ऐसा ही काम करना है जैसे ये बताया जा रहा है मैसेज से। चलिए अब चंदन दत्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, आज आप चीफ गेस्ट हैं इस वेब सीरीज की जो इन्होंने लॉन्च की है, ये कंसेप्ट जो लेकर आए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने कम नोटिस में आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद जो उड़ान एंटरटेनमेंट्स ने जो मूवी लॉन्च की है आज, क्यों ही इंसानियत शर्मसार, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक जो टाइटल ही इसका बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो रही है। आप देखो आजकल छोटे बच्चों की मतलब भ्रूण हत्या हो रही है, वो हमें शव मिले जाते हैं, और मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो मतलब हर जगह आप रिश्ते नातों की कोई चीज़ नहीं है। तो वो इंसानियत अगर ये थीम इन्होंने चुना है तो कोई सोच समझ के चुना है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शीतल सिंह जी वैसे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको 3-4 साल से वॉच कर रहा था और देखा इनका काम, हट के काम करते हैं अपने, क्योंकि ये जो सोशल एक्टिविज्म है ना, ये जब तक इंसान, अभी मेरे किसी भाई ने कहा कि जब तक इंसान अंदर से खुश ना हो या अंदर से वो काम करने का मन या जज्बात ना हो, आप नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते। ये राजनीति नहीं है, ये सोशल एक्टिविज्म। आपको अगर मतलब दिल से आता है ये कोई काम करने का जज्बा, किसी की मदद करनी, ये दिल से होनी चाहिए, ये भगवान की देन है, आई थिंक करेक्टर डिफाइन करता है। फिर एक बार मैं इनकी मूवी पे आते हुए इनको, पूरी टीम को, यहाँ मेरी रीना चौधरी जी आई हुई हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, तरुण शर्मा जी हैं जो BJYM के कल्चर सेल के हेड हैं JNK के, इनका भी बड़ा धन्यवाद है, एक्टर हैं, मॉडल्स हैं, और जितने भी हमारे ये अमित जी आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है ये पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान तक जाए। रीना जी क्या कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने पूरा ब्रीफ किया है कि आखिर इस वेब सीरीज को बनाने का क्या मकसद था, जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा रिश्तों को तार तार होते हुए, सबसे बेटी पिता को छोड़कर बाकी वहीं पे उनको उसी हाल में छोड़कर तो किसी और ने उनका दाह संस्कार किया, माँ बच्चों को छोड़कर चली गई, भाई भाई का नहीं रहा, तो क्या कहेंगे इस कंसेप्ट को जो सामने लाया, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी शीतल सिंह जी को, प्रिंस जी को, दिव्यांश जी का, जिनके और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एफर्ट किया इस मूवी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, लोगों को बताने का कि इस पिछले 2-2.5 साल जो कोरोना का की महामारी जम्मू कश्मीर में और बाकी के देशों में और भारत में भी जो रही, उसने किस तरह लोगों की फीलिंग्स पे असर डाला। इस ये ऐसी महामारी थी जहाँ के लोगों को अपनों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन इस महामारी ने इमोशंस ख़त्म कर दी, भाई भाई का नहीं रहा, बच्चे माता पिता के नहीं रहे, हर बंदा सिर्फ अपनी जान बचाने और सेल्फ सेंटर्ड होके रह गया। बहुत बुरे बुरे पेशेंट्स देखे जिनकी टेक केयर करने के लिए कोई घर से सामने नहीं आया, जबकि उनको अलग कर दिया गया, उनको दरकिनारा कर दिया गया, भूल गए लोग के माता पिता ने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या मुश्किलें सही होती हैं, रिश्तों की क्या अहमियत है वो भूल चुके हैं लोग। कोरोना के समय से हमने ये देखा कि लोग प्रैक्टिकल होके सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके रह गए। ये एक मूवी जो आ रही है जिसमें कि मेन वही कोरोना काल में दिखाया गया कि किस तरह रिश्ते शर्मसार हुए, किस तरह इंसानियत शर्मसार हुई, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज हमने देखा बहुत से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मूवीज़ बनाते हैं रोमांस बेस्ड, लव स्टोरीज बेस्ड, गुंडागर्दी बेस्ड, बट ऐसे नोबल कॉज, ऐसी अच्छी सोच में जो ये मूवी बनाई जा रही है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी, और भी लोगों को और भी निर्माताओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा माध्यम साबित होगा, लोगों को रियलाइज कराएगा कि इस कोरोना काल में आपने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आप भूल चुके अपने माता पिता, अपने बड़ों का एहसान, आप भूल चुके कि रिश्ते क्या होते हैं, आप भूल चुके रिश्तों की अहमियत। तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है लोगों में दोबारा से इंसानियत जगाने का, और लोगों ने अगर कुछ गलत किया है उनको रियलाइज कराने का। धन्यवाद। चलिए अमित जी है, इन्होंने काफी ये भी जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं, उनको काफी बढ़ावा देते हैं, अमित जी क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ उड़ान एंटरटेनमेंट को, उनकी टीम को। फिल्में बनती हैं, रोज बनती हैं,
पिट भी जाती हैं, हिट होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एक मैसेज देना, और आज सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है आपके माध्यम से, जो चीज़ बनने जा रही है कि दिलों को टच करके जाएगी, छू के जाएगी और प्रेरणा दे के जाएगी। और मैं खुश हूँ कि हमारे जम्मू एक छोटा सा शहर, कोई बड़ा नहीं है, जो एफर्ट्स किए हैं दिव्यांश बाबा जी ने, शीतल सिंह जी ने, चंदन जी ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। यहीं से एक नई शुरुआत होगी पब्लिक के लिए और अच्छा मैसेज जाएगा, ताकि एक सितारे भी उभर के आएँ और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और जो मैसेज आए उसे हम अडॉप्ट करें, उसे स्वीकार करें, ना कि दरकिनार करें। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आपने देखा आज यहाँ पर उड़ान फिल्म एंटरप्राइजेज के माध्यम से यहाँ पर एक पोस्टर लॉन्च हुआ, आखिर क्यों इंसानियत हुई शर्मसार, जिसमें अपने अपने जो सुझाव उन्होंने ज़रूर रखे। अच्छा, एक्ट्रेस हैं यहाँ, ये मैम आपका नाम? मेरा नाम कंचन है। कंचन जी, आप यहाँ पे एज ए एक्ट कर रही हैं इसमें, सीरीज में जी, कैसा लगा और क्या कंसेप्ट, किस तरह का कंसेप्ट था ये? बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट था ये, इंसानियत के बारे में, जो इंसान आजकल देखो मतलब कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है जगह जगह, उसके बारे में कुछ बताया गया है इस मूवी में। एक मैसेज देने का प्रयास किया है, और इस तरह के मैसेज हर एक को देने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आज के दौर में अगर कहा जाए तो डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर डालते हैं लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उनके दिल पर वो चीज़ें छाप कर जाती हैं। तो इस तरह के मैसेज देने का हर कोई आप प्रयास कर रहा है, क्योंकि समाज की त्रुटियों को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, अगर उन त्रुटियों से हम बचना चाहते, कुछ सबक सीखना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोरोना काल वो काल था, आज भी हम भूले नहीं भुला सकते, क्योंकि कई अपनों ने अपनों को अपने सामने दम तोड़ते देखा, और कई जगह हमने इंसानियत को दम तोड़ते हुआ देखा। उसी के चलते जो ये सारी सीरीज जो बन रही है उसी के आधार पर बन रही है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जनता अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और जनता ज़रूर अपना प्यार बरसाइए इस तरह के मैसेज को लेकर। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।